वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं आई हूँ लाजपत नगर मार्केट यहाँ का लेटेस्ट कलेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मेट्रो के बाहर ही खड़ी हूँ, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टार्ट हो जाती है मार्केट। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। मार्केट में एंटर करते ही आपको स्टार्टिंग में ही दिखेगी ये एनके एंड सन्स की दुकान। यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में बाहर दिखेंगी बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी टी शर्ट, फ्रॉक, स्कर्ट्स और इसमें कुछ शॉर्ट्स भी थे जो कि डेली यूज़ के लिए बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही थी। इसके अलावा दुकान के बाहर ना 300 रुपीज़ में स्ट्रैपी ड्रेसेस लगे हुए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और ये बहुत ही समर अप्रोप्रिएट प्रिंट में थे। ड्रेसेस मिल रही हैं, ये देख सकते हैं बहुत सारे पैटर्न्स हैं इसमें। इसमें काफी सारे पैटर्न्स भी अलग अलग अवेलेबल थे, कुछ इस टाइप के लिए देखो, ये अलग पैटर्न में थोड़ा सा ना, ये भी अच्छे लग रहे हैं, काफी सारे डिजाइन है। कुर्ते भी हैं, ₹120 में कॉटन कैप्री भी यहाँ पे मिल रहे थे जो कि समर में हर लड़की की फेवरेट होती है। इस दुकान की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि एक फिक्स प्राइस शॉप है। इस दुकान में सभी ना कपड़ों के ऊपर आपको इस टाइप से प्राइस टैग लगा होता है, जिससे आपको शॉपकीपर से बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया ये कितने का है, भैया ये कितने का है। आप बस प्राइस देखिए, जो भी अच्छा लगे आप निकलवा लीजिए। तो सभी टॉप्स पे ना यहाँ पे प्राइस टैग लगे हुए थे, और टॉप्स में बहुत वैरायटी अवेलेबल थी, टॉप्स, टी शर्ट। बात करें ड्रेसेस की तो ऊपर जो सारी ड्रेसेस लगी हुई हैं वो 500 रुपीज़ में थी। इनमें भी काफ़ी सारे पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्ट कुर्तीज भी मिल जाएंगी, जो गर्ल्स शॉर्ट टॉप पहनना नहीं पसंद करती हैं वो इस टाइप की कुर्तीज पहन सकते हैं जीन्स के साथ में। काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लोरल प्रिंट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे अंदर भी 100 रुपीज़ की सेल होती है, जिसमें आपको टॉप, पैंट्स और कई बार तो बहुत ही हिडन जेम्स मिल जाते हैं ब्रांड्स के। थोड़ा आगे चलने पर आपको ये शॉप मिलेगी जहाँ पे आपको ये इसी के मतलब अपोजिट में आपको ये वाली दुकान मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट कुर्तियाँ मिलेंगी केवल 250 रुपीज़ में, और प्रिंट देख सकते हैं बहुत ही प्यारे हैं। ये क्या प्राइस है इसका? 250। और ये क्रीम कलर वाली जो कुर्ती थी, मतलब मुझे इतनी प्यारी लगी, इसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी थी और ये समर अप्रोप्रिएट थी। बाकी फ्लोरल प्रिंट बहुत ही सुंदर सुंदर थे, शॉर्ट कुर्ती इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कलर अवेलेबल थे।
इसके अलावा 600 एंड 500 की रेंज में यहाँ पे सूट सेट भी मिल रहे थे। इसमें कुर्ती पैंट, कुर्ती प्लाजो, मतलब वो सारे थे। आप देख सकते हैं कलेक्शन बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग था। जो ऊपर सूट लगे हुए हैं, टंगे हुए हैं, 1900 रुपीस की रेंज में थे, जो कि 3 पीस सूट थे। और इसके सामने ही ये यनकेन सेंस, जो आपने अभी टॉप वाली दुकान देखी थी, उसी के अपोजिट साइड में ये लगती है। यहाँ पे आपको कुर्तीज का कलेक्शन ना, बहुत ही अमेजिंग कुर्तीज मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुर्ती की स्टार्टिंग जो होती है वो 300 रुपीस ही होती है, और मैक्सिमम 500 रुपीस की रेंज तक कुर्तियाँ जाती हैं। 300 रुपीस में बहुत ही प्रिटी कुर्तियाँ थी, जिसमें आपको बहुत ही सुंदर प्रिंट मिल जाएंगे। और ये बंधेज की कुर्ती, ओह माय गॉड, इतनी सुंदर थी। उसमें साइजेस भी सारे थे और कलर भी और भी मिल रहे थे। भैया क्या प्राइस में आई है? 300 में? ओके ओके। ये किस प्राइस में? ये भी 300 है। ओके, क्या प्राइस है भैया? 400। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, 400 रुपीस में ये कॉटन चिकनकारी कुर्तीज थी। प्यारे कुर्ती भैया, एक खोल के दिखाएंगे आप मुझे? ये ग्रीन कलर दिखा दीजिए। साइज भैया सारे में जाते हैं, फैब्रिक कॉटन है ना ये? ओके। कलर इतने प्यारे थे कि मतलब इनको देख के आपको समर वाली वाइब आ जाएगी। इतने प्यारे प्यारे कलर थे, सारे ही कलर समर सूदिंग थे। 400 रुपीस इनका प्राइस था और साइजेस सारे ही इनमें अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पे ना आपको बॉटम वियर के भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है? 200 में। कौन वाले? प्लेन आएगा 200 में। बाकी जैसे कि ये वाले हैं गोटा पट्टी वाले, इनकी क्या रेंज है? 500-600। थोड़ा आगे चलने पर मुझे ये एक फुटवेयर की दुकान दिखी, जो कि इसका नंबर था शॉप नंबर 2। यहाँ पे ना आपको डेली यूज के फ्लैट से लेके आपको बिल्कुल पार्टी वेयर वाले सारे फुटवेयर मिल जाएंगे। हर चप्पल का रेंज अलग 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 है। स्टार्टिंग प्राइस क्या रहता है? 150 में। कौन वाले हैं भैया? ये 150 में। ये भैया 200 में। शॉप नंबर क्या है आपका? 2। इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक दुकान दिखी जहाँ पे इयररिंग्स का काफी अच्छा कलेक्शन था, और प्राइस रेंज जो ना 50 रुपीज से स्टार्ट है। क्या प्राइस रेंज में है ये वाले? 150। क्या प्राइस है? अलग अलग प्राइस है सभी के? ये सारे 150 है। ये वाले? ये क्या चीज में है भैया? किस चीज में बना हुआ? मतलब मीना वर्क है? एडी का। अच्छा, डिफरेंट काइंड ऑफ इयररिंग्स थे, मतलब थोड़े से हायर रेंज के, और डेंट इयररिंग्स, और ये आप देख सकते हैं नग वाले जो आप गाउन वगैरह पे पहनते हैं, एडी वाले, उस सभी टाइप के इयररिंग्स यहाँ पे अवेलेबल थे। और सबसे बड़ी चीज़ अच्छी है कि ये भैया ना ऑनलाइन भी देते हैं, मैं नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं।
इसी लाइन में आपको ये वाली दुकान दिखेगी। यहाँ पे आपको ना एथेनिक क्रॉप टॉप, ब्लाउजेज एंड डिजाइनर ब्लाउजेज का ह्यूज कलेक्शन दिखेगा। और ये दुकान ना बहुत ही अच्छी, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन दिखा। प्राइस रेंज थोड़ी सी ज्यादा लगी मुझे, बट मुझे लगती है कि आप बार्गेन करेंगे तो सही प्राइस पे लगा देंगे। इसके अलावा इनके पास ना ये सिल्की स्कर्ट भी थी, जो कि इन्होंने पेयर बना रखा था स्कर्ट टॉप का। तो आप चाहें तो अपना कुछ अलग से भी कुछ बनवा सकते हैं, अपना कोई डिजाइन दिखा के वो भी बना देते हैं ये। बाकी इनके पास ना ब्लाउज के डिजाइन बहुत सारे अवेलेबल थे। आपको यहाँ पे ना केप वाले टॉप्स भी मिल जाएंगे, मतलब केप वाले जो ब्लाउजेस थे वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आजकल जो ये पेपलम स्टाइल चला है, ये भी इनके पास में आपको मिल जाएगा। थोड़ी आगे चले पे मुझे ये छोटी सी दुकान दिखी, जो कि यहाँ पे ना ये जो आजकल ने कॉटन में फ्लोरल गोटापट्टी सूट चले हैं उसका कलेक्शन था। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक का सारा ही कलेक्शन था। 800 कुर्ता रहा था जी। ऑनलाइन वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं कुछ कार्ड वगैरह। बहुत ही सुंदर सुंदर सूट्स थे और प्राइस रेंज आप वीडियो में सुन ही सकते हैं। और ये लोग भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराती हैं, तो इनका नंबर भी मैं दे दूंगी आप लोगों को, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आप दुपट्टे वगैरह लेना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस में तो आप ये वाली दुकान जरूर चेक कर सकते हैं। इन आंटी के पास में आपको ना बहुत बढ़िया दुपट्टे का कलेक्शन मिलेगा, डेफिनेटली चेक करें। यहाँ पे दुपट्टे जो स्टार्ट होते हैं वो 150 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, बाकी आप कलेक्शन देख ही सकते हैं। ये भी 150 है, भेजना किसी को। 200 रुपए, ये देखो ये भी 200 रुपए है। 200 रुपए, हाँ मार्केट में 300 का है, हम 200 का देते हैं। ओके ओके, वाइट दिखाइए समर के हिसाब से। ये देखो ये मार्केट में 350 का है, मैं 200 का देती हूँ। ओके, ये वाइट, ये भी 150 है जी जी। और ये एम्ब्रॉयडरी वाला, एम्ब्रॉयडरी वाला 200 का, हाँ जी 100। ये कितने में? 300। आगे यहाँ पे चलने पे मुझे यहाँ पे बच्चों के कपड़ों की सेल दिखी, जो कि 100 रुपीज में थी। और काफी अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से टॉप और डेली यूज के काफी अच्छे कपड़े थे। साइजेस थोड़े कम थे यहाँ पे, लेकिन बच्चों के लिए डेली यूज के लिए काफी सारे थे। कि डेली यूज में टी शर्ट वगैरह जो निक्कर पहनते हैं वो आप डेफिनेटली यहाँ से परचेज कर सकते हो, कि अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा आगे चलने पे ये हाइप करके एक शॉप थी, उसके बाहर ना आपको ये कलेक्शन मिलेगा। ये मुझे मेरी फेवरेट जगह लगी, यहाँ पे ना आपको बहुत बढ़िया कलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी ये मास्क चेन, जो कि वैरायटी ऑफ मास्क चेन की कोई बार्गेनिंग नहीं करनी, फिक्स प्राइस था 50 रुपीज, जो कि आपको सरोजनी से मार्केट में बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है। 100 रुपीज की बताते हैं, बड़ी मुश्किल में कहीं देते हैं 50-60 रुपए की, तो यहाँ पे सेल ही थी। और मतलब डिजाइन भी बहुत सारे यहाँ पे थे। इसके अलावा यहाँ पे ना आपको ये हेयर क्लिप्स मिलेंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस टाइप की जो क्लिप्स होती हैं, ये थोड़ी सी नग वग लगी हुई, कुंदन लगी हुई है, बड़ी सुंदर सुंदर सी आजकल लड़कियाँ लगाती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि 30 और 50 रुपीज़ में भी थी। 30 रुपीज़ में काफ़ी क्यूट क्यूट थी, मैंने 3-4 पेयर यहाँ से लिए हैं क्लिप्स के। और बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर सी क्लिप्स थी, यहाँ पे आप डेफिनेटली परचेज कर सकती हैं। यहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग कलेक्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये ब्रेसलेट थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मल्टी लेयर। आप मतलब ये अगर वॉच वगैरह पहनते हैं तो उसके बीच में, उसके आसपास ये पहन सकते हैं, या आप ऐसे अलग अलग निकाल के भी पहन सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल लगे और 50 रुपीज़ में यार क्या ही लोगे आप, बहुत सुंदर लगा मुझे। 50 रुपीज़ की रेंज में तो ह्यूज वैरायटी ऑफ रिंग, मतलब इतने पैटर्न थे रिंग्स के, इतने डिज़ाइन थे रिंग के, ह्यूज वैरायटी ऑफ रिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत बढ़िया कलेक्शन था, मैं बोलूँगी मस्ट विजिट शॉप है ये, आपको डेफिनेटली ज़रूर चेक करनी चाहिए अगर आप लाजपत नगर में आते हैं तो।
ईयर रिंग्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन था, 50 रुपीज में ईयर रिंग्स भी इनके पास में अवेलेबल थे जो कि बहुत सारे डिजाइन में थे। और यहाँ पे मार्केट में मुझे एक और दुकान दिखी, दुकान का नंबर भी इनको मिला नहीं था। तो ये दीपाली कलेक्शन के पास में ये दुकान है, यहाँ पे आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे 450 रुपीस में जो कि मिडिल ड्रेस थी और काफी सारे कलर एंड डिजाइन अवेलेबल थे इनके पास में। और ये जो पकड़े हुए 450 के सौ के साइज कितने कलर होते सारे कलर इसी के जो आपके हाथ में है ये 650 का है, ये 450 के ड्रेस है, ये यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं, इसके एडजस्टेबल होती है। अच्छा जी, लेटेस्ट चल रही है आजकल काफ़ी, कलर्स भी 4 हैं। और अगर टॉप की बात करें तो इनके पास 300 रुपीस में टॉप भी थे, काफ़ी सारे पैटर्न थे डिफरेंट। तो आप अगर कोई टॉप वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लाजपत नगर में ऐसे टॉप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी दुकानों पर मिल जाएंगे। ₹300 में टॉप्स हैं ये सारे। यहाँ पे एक दुकान थी और एक न्यू दुकान खोली हुई थी, यहाँ पे ना 250 रुपीस में सेल थी पूरी ही दुकान में, काफी प्रिटी प्रिटी से टॉप्स थे यहाँ पे, टी शर्ट्स भी थे, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं इस वाली दुकान को भी। बैग्स की काफी अच्छी वैरायटी मिल जाती है लाजपत नगर मार्केट में, बट थोड़े बहुत महंगे मिलते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है इसलिए। मुझे एक मिली ज्वेलरी की शॉप यहाँ पे ना, ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत बहुत अच्छा था, काफी अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे आपको नेकलेस में काफी अच्छी वैरायटीज मिल जाएंगी, देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी के थे, कुंदन के, नग वाले और ये मीनाकारी वाले, सारे ही बहुत ही प्यारे वाले नेकलेस थे। और इसमें इनके पास ना ब्रेसलेट भी बहुत ही सुंदर सुंदर से थे, आप ब्रेसलेट भी चेक कर सकते हैं जो जिन्हें आप मल्टीपल यूज कर सकते, जिन्हें आप गले में चोकर बना के भी पहन सकते हैं धागा लगा के, नहीं तो आप हाथ में तो पहन ही सकते हैं। ये क्या प्राइस रेंज में होगा भैया? चोकर टाइप है ना? अच्छा अकेले ही है। इयर रिंग्स में भी वैरायटी ऑफ इयर रिंग्स इनके पास में थे, आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न इयर रिंग्स के साथ साथ में आपको ना इंडियन इयर रिंग्स का बहुत ही ह्यूज कलेक्शन मिल जाएगा इनके पास में। और ये भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं, तो इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे
मुझे एक ये बाहर लगी हुई थी, 100 रुपए में डेंटी नेक पीसेस मिल रहे थे और काफी सुंदर सुंदर से ये पेंडेंट थे इनके, डोरेमोन वाला, बटरफ्लाई वाला, फ्लावर वाला, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और आप ये चेन बहुत प्यारी लगती है गले में। तो अभी हम पहुंच गए हैं पिंक गारमेंट्स में। यहाँ पे आपको ना काफ़ी अच्छे ट्रेंडी टॉप्स मिल जाते हैं, ड्रेसेस मिल जाती हैं, पैंट्स मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा कलेक्शन इनके पास ओवरऑल हमेशा ही होता है। क्या प्राइस में ये? 11 रुपए। ₹350 में इनके पास आपको टॉप्स का काफी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा ना इनके पास ड्रेसेस जो बहुत सारी सुंदर सुंदर सी मिल जाती हैं, जो कि केवल ₹500 से स्टार्ट होती हैं और थोड़ा बहुत प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है इनमें। सिमर के फैब्रिक में भी इनके पास बहुत ही ब्यूटीफुल से टॉप थे, जो कि 400 टू 500 रुपीस की रेंज में थे। शॉप के अंदर ना आपको पार्टी वियर ड्रेसेस का बहुत ही ह्यूज कलेक्शन मिलेगा और इस टाइप के पार्टी वियर ड्रेसेस काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि ना वेस्टर्न भी नहीं है, एथनिक भी नहीं है, कुछ हटके ही लगती है, बहुत प्यारी लगती है ये। अगर आप सूट सेट लेना चाहते हैं तो लाजपत नगर मार्केट में आपको सूट्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन मिलता है। ये एक दुकान दिखी जहाँ पे ना मुझे काफी अच्छे सूट दिखे, जो कि काफी सेल में चल रहे थे इस टाइम, जैसे 650 रुपीज वाला 600 का था और ये व्हाइट कलर वाले बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, जो कि इन्होंने शायद से 1200 रुपए समथिंग के बताए थे। ये बहुत सुंदर थे समर के लिए, तो मतलब मस्त मस्त लग रहे थे मुझे ये। और ये सेम ही स्टिच थे, मतलब लाइक इनका सरारा नीचे का स्टिच था एंड कुर्ता जो था वो सेम स्टिच था, तो डेफिनेटली आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये था पूरा लाजपत नगर मार्केट का वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो ना चिकनकारी कुर्ती कलेक्शन आएगा लाजपत नगर का, तो डेफिनेटली जरूर उसे वॉच करिएगा, इसके बाद तुरंत ही आएगा वीडियो वो। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं ऑन किया है तो, और वीडियो कैसा लगा उसको अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट से बता सकते हैं। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।